Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the SBI Clerk Recruitment 2020, where State Bank of India, in short SBI, has given an employment notification for the recruitment of junior associate customer support and sales in clerical cadre, regular and backlog vacancies. So those candidates who are interested to the following vacancies and completed all the eligibility criteria can read the notification and apply online here from this video. So now let's start the video by the vacancy details. You can now check the all the vacancies and backlog and other all things. देखिए आपको वैकेंसी डिटेल्स में टेबल शो हो रहे हैं जहाँ पे सीरियल नंबर यानी कि टोटल 20 आपको रो शो हो रही हैं एंड सर्कल नेम जहाँ जहाँ पर है क्योंकि ऑल इंडिया में है ये वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर कितनी रिक्वायर्ड है और बैकलॉग की कितनी रिक्वायर्ड है दोनों ही आपको यहाँ पर शो हो रही हैं लाइक अहमदाबाद में 550 वैकेंसीज है फॉर रेगुलर बेसिस एंड बैकलॉग बेसिस पर 70 हैं और अमरावती में 150 हैं रेगुलर बेसिस पर मोस्टली जो बैकलॉग की वो कम हैं ज़ीरो हैं ज़्यादा कोई एक आदि की है एंड भोपाल में 700 हैं वैकेंसीज रिक्वायर्ड बंगाल में 650 है भुवनेश्वर में 425 चंडीगढ़ इज सेम ऑल्सो एंड चेन्नई में 400 दिल्ली में 393 दिल्ली चंडीगढ़ में 97 और बैकलॉग की कोई नहीं है सर्कल अगर हैदराबाद की बात करें तो 375 वैकेंसीज यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं और जयपुर में 500 रेगुलर बेसिस पर और बैकलॉग के लिए 3 वैकेंसीज हैं केरला में 400 हैं लखनऊ एंड दिल्ली में 865 महाराष्ट्र मुंबई मेट्रो यहाँ पर 865 वैकेंसीज हैं महाराष्ट्र में 10 वैकेंसीज हैं नॉर्थ ईस्टर्न में 315 हैं एंड बैकलॉग के लिए 11 वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं पटना में 275 चंडीगढ़ में 70 एंड नॉर्थ ईस्टर्न में 60 रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसीज हैं एसबीआई के अंदर वो रिक्वायर्ड हैं सो ऑल इंडिया में बहुत सारी वैकेंसीज हैं आप अपनी लोकेशन और एलिजिबिलिटी चेक करके कहीं पर भी फिल कर सकते हो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपकी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं जिसमें ग्रेजुएशन आपकी नेसेसरी है मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन एनी स्ट्रीम वैसे तो ये सारा क्लरिकल वर्क है अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड की है तो इट्स वेरी गुड बट अगर आपने और किसी स्ट्रीम के साथ की है और आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास 1 ईयर का है मीन्स कि आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1 जनवरी 2020 तक आपकी जो मिनिमम एज है अगर 20 इयर्स है तो यू कैन अप्लाई एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो 28 इयर्स और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दी गई है एज पर द रूल्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो फॉर जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 750 रुपीज़ इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस जो चार्जेस भी हैं आपके फ़ी के अलावा क्योंकि अगर आप उसको पे करेंगे देन और इसके अलावा अगर आप डिपेंड बिलोंग करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन की तो आपकी फ़ी है 125 इंक्लूडिंग योर चार्जेस ओनली एंड मोड ऑफ द पेमेंट इज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो सो यू कैन अपना जो आपकी पेमेंट है आप ऑनलाइन के थ्रू ही पे कर सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की देखिए जो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस 3 जनवरी 2020 से स्टार्ट है एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस 26 जनवरी 2020 एंड द एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स की भी 26 की ही है क्योंकि जितनी लास्ट डेट होती है उसी पे आपको अपना सारा काम कंप्लीट करना होता है प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन मतलब उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट नहीं कर सकते ओपन नहीं कर पाएंगे ना अपना रजिस्ट्रेशन आईडी तो वो है 10 फरवरी 2020 तक आप उसको प्रिंट ले सकते हैं और अगर बात करें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट की तो वो फरवरी के एंड या मार्च की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी 2020 की एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड प्रीलिम्स की क्योंकि अगर मार्च तक आपको डेट मिल रही है स्टार्टिंग में तो वो आपको 11 फरवरी 2020 तक टेंटेटिवली मिल सकती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्योंकि प्रीलिमिनरी का फेब और मार्च में बोला हुआ है तो हो सकता है फेब की स्टार्टिंग में ही हो
एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स मेन का तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, क्योंकि ये थोड़ा पहले फर्स्ट का होगा प्रोसीजर, सारा सारी प्रोसेस हो गई देन ही तो सेकेंड का होगा, और फिर उसका जो मेन का डेट है वो आपको अप्रैल में ही मिल जाएगी, अगर क्योंकि उसका एक मंथ का आपका टाइम पीरियड होता है। पे स्केल की अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग बेसिक पे है इज़ ₹13,750 एंड से लेकर ₹11,765, प्लस आपको टू एडवांस इंक्रीमेंट होंगे जो कि सिर्फ ग्रेजुएट्स को एडमिसिबल हैं। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ जो मैंने वीडियो में शायद शो नहीं की है, कि इसके अलावा आपको DA सारे जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं वो भी मिलेंगे आपको। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है स्टार्टिंग फ्रॉम दैट क्या कहते हैं रेंज, एंड उसके अलावा आपको DA, अपना जो मेडिकल है, एवरीथिंग जो फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो भी प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। देखिए क्योंकि ऑनलाइन आपका मोड है अप्लाई करने का, तो आपको सीधा वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और इसके अलावा जो आपको साइट का जो आपको एड्रेस टाइप करना है दैट इज़ www.sbi.co.in पर अगर आप जाएंगे तो आपको आपका होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कैरियर्स के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2020 सेलेक्ट करना है। और आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करनी होगी, रजिस्ट्रेशन में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन कर पाएंगे, जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है जो कि हर प्रोसेस में सेम है जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स आप फिल करते हैं। कभी कभी मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ या कभी, मतलब सारा प्रोसीजर सेम ही रहता है। वहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी होगा और जो नंबर आप देंगे वो वैलिड दीजिए, बिकॉज उस पर आपको जो भी मेल होगी या मैसेज होगा वो उस पे मिल जाएगा। एंड आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई, जो सर्टिफिकेट्स आपको स्कैन रखने हैं, अटैच करने, अपलोड करने, वो आपको ढंग से अपने पास रखने हैं और उनको स्कैन करके अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वो अपलोड कीजिए, अपनी फ़ी पे कीजिए और फाइनली अपना जो सबमिट है बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए। So, wish you good luck for your exam and thanks for watching this video. Don't forget to like and share. And for more updates, subscribe this channel. And if you have any query, then please comment me on comment section. Thanks.